चौक मारा रे, ये हस रे अलकट हस। अब सबसे पहले यार बात करते हैं मेसी के बारे में, जिन्होंने नए क्लब पीएसजी की तरफ से डेब्यू करा है अगेंस्ट रेम। और सही बताऊं तो यार काफ़ी अजीब था उनको नई जर्सी में देखना, बट एट द एंड ऑफ द डे ही वाज हैप्पी देयर। अनफॉर्चुनेटली यार उन्होंने गोल स्कोर नहीं किया, ना ही कोई गोल असिस्ट किया, लेकिन उनके डेब्यू का सबसे बड़ा हाईलाइट था वो हमें देखने को मिलता है मैच खत्म होने के बाद, जब जो रेम्स के जो प्लेयर्स थे वो उनके पास जाते हैं और सेल्फी खिंचाते हैं अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। तो आई थिंक हम देखने वाले हैं कि मेसी अब जैसे जैसे पीएसजी की अपोजिशन टीम के साथ पहली बार खेलेंगे तो उनके साथ ये फोटो सेशन होने वाला है, और इस समय ये फोटो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही हैं। इसी के साथ बात करते हैं रोनाल्डो और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में, तो उनके रिगार्डिंग भी काफ़ी सारी अपडेट्स हैं। सबसे पहले रोनाल्डो की जर्सी को लेकर जो इस समय ड्रामा क्रिएट हो रहा है उसके रिगार्डिंग आई थिंक एक अच्छी न्यूज़ है हमारे पास कि शायद से मैनचेस्टर नाइट ने प्रीमियर लीग को सक्सेसफुली कन्विंस कर लिया है। और शायद से जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर प्रीमियर लीग एक्चुअली में स्पेशल प्रोविजन उनको ग्रांट करता है तो पहली बार होगा, एंड आई थिंक वो ग्रांट करने वाला है। अब ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स आने की अब शायद से कन्विंस सक्सेसफुली कन्विंस कर लिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने प्रीमियर लीग को। और ऐसे में कह सकते हैं कि एडिसन कवानी जो कि इस समय करंटली नंबर 7 को होल्ड कर रहे हैं वो अब दूसरी टी शर्ट जर्सी नंबर लेंगे, और रोनाल्डो अब सक्सेसफुली अपनी आइकॉनिक जर्सी नंबर 7 को पहन सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में। इसी के साथ यार बात करते हैं एक रिकॉर्ड की जो कि रोनाल्डो टू मैनचेस्टर यूनाइटेड वाली न्यूज़ ने तोड़ा है। तो यार इंस्टाग्राम पे द मोस्ट लाइक्ड पिक बन गई है वो अनाउंसमेंट जब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अनाउंस किया था कि उन्होंने रोनाल्डो को साइन कर लिया है इन कैटेगरी स्पोर्ट्स टीम कैटेगरी। फिर से बात इंडिविजुअल कैटेगरी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, स्पोर्ट्स टीम कैटेगरी की बात हो रही है। और जो ये पोस्ट थी इसने अराउंड 12 मिलियन लाइक्स गैदर किए हैं। आपको बता दूँ इसके बाद जो सबसे क्लोज आता है वो आता है पीएसजी का मेसी अनाउंसमेंट जिसने अराउंड 7.8 मिलियन लाइक्स कवर किए हैं। तो ये मैं फिर से बता रहा हूँ कैटेगरी जो थी वो स्पोर्ट्स टीम कैटेगरी में द मोस्ट लाइक्ड पिक बन चुकी है। इसी के साथ अगर मेडिकल की बात करें तो अब ये न्यूज़ हमारे सामने कंफर्म हो गई है कि रोनाल्डो का मेडिकल कंप्लीट हो गया इन लिस्बन, और वो उनका जो और ये मैंने अपने लाइव स्ट्रीम पे भी आपको बताया था कि जो रोनाल्डो का जो मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला मूव था उसके तुरंत बाद ही वो अपनी इंटरनेशनल ड्यूटी के लिए पोर्चुगीज नेशनल टीम के साथ चले गए थे। और ऐसे में मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो प्लान था मेडिकल का वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में नहीं बल्कि उनका लिस्बन में ही करवा दिया गया। इसी के साथ यार ओले गुनर सोलशायर ने भी काफ़ी दो बड़ी बात बोली है रोनाल्डो के रिगार्डिंग। तो यार कल का जो मैच था वुल्वरहैम्पटन के बाद उसमें जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ओले गुनर सोलशायर ने इस चीज़ को कंफर्म किया कि वो चाहते हैं कि वो रोनाल्डो को एज अ सेंटर फॉरवर्ड और स्ट्राइकर खिलाने वाले हैं, और वो चाहते हैं कि रोनाल्डो हर समय बॉक्स में रहें, और एट द वो कहते हैं ना कि एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस वाली जो चीज़ है वो रोनाल्डो पे वो अप्लाई करने वाले हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट ओले गुनर सोलशायर शुड डू फॉर रोनाल्डो, क्योंकि सही में रोनाल्डो जिस चीज़ में बेस्ट हैं हमें पता है कि रोनाल्डो अपना जो इनिशियल करियर था वो उन्होंने एज अ विंगर स्टार्ट किया था, बट आई थिंक ही इज़ मोर ऑफ अ नाउ एज अ स्ट्राइकर, और एट द स्ट्राइकिंग पोजिशन ही कैन डू वंडर्स। एंड आई थिंक इस समय मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी ऐसी प्लेयर की ज़रूरत है जो कि बॉक्स में हमेशा हो, एक तरीके से गोल पोचर हो या फिर एक तरीके से उनके किलर इंस्टिंक्ट हो, एंड रोनाल्डो विल डू वंडर्स फ्रॉम दैट पोजिशन। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी कि ओले गुनर सोलशायर को पता है कि उनको क्या रोनाल्डो कैसे यूज़ करना है। अब ये देखने वाली बात है कि ऑन द पिच वो काम करता है या नहीं करता है। इसी के साथ बात करते हैं अब रियल मैड्रिड और एम्बापे की। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू आर मुझे नहीं पता कि इस समय क्या चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, लेकिन ऐसा पता नहीं चल रहा है किस पे किस रिपोर्ट पे और किस नैरेटिव पे हमें इस समय बिलीव करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ अटेंशन या फिर मार्केट में हाइप लाने के लिए हो। लेकिन इस समय यार मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा। अगर रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव ये है कि जैसे मैंने आपको कल बताया था कि पीएसजी ने अभी तक ऑफिशियली रिजेक्ट करा ही नहीं है, मतलब वर्बली है या फिर रूमर्स हैं या कैंप्स हैं ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं, लेकिन रिटर्न जो कन्फर्मेशन आती है कि हमने आपका ये बिड रिजेक्ट कर दिया है वो अभी तक रियल मैड्रिड को नहीं मिला है। और ऐसे में कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड ये मान के बैठे कि अगर पीएसजी को रिजेक्ट करना ही होता तो वो अब तक इतना टाइम क्यों लेती, और ऐसे में वो मान रहे हैं कि पीएसजी सीरियसली कंसिडर कर रही है, बस थोड़ा सा माइंड गेम खेल रही है कि आने वाले टाइम में रियल मैड्रिड इस बिड को बढ़ा दे। लेकिन आपको मैं बताऊँ अगर पीएसजी के पर्सपेक्टिव से जो पॉजिटिव है या फिर रियल मैड्रिड के लिए जो नेगेटिव है वो ये है कि पीएसजी ने जो ऑलरेडी जो वर्बली हम जब सुन रहे हैं कि रिजेक्ट कर दिया, और वो बात सही है, पीएसजी जो रियल मैड्रिड का 180 मिलियन यूरोस का जो ऑफ़र है उसको इनसफिशिएंट मानती है, और वो मान के चल रही है कि अगर 200 मिलियन यूरोस तक जो ऑफ़र है वो नहीं गया तो केलन एम्बापे
नहीं जाएंगे इस समर ट्रांसफर विंडो में। और ऐसा मैंने बार बार आपको कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि किलियन एम्बापे को रोकने का उनका प्लान है, वो है, लेकिन वो मान के बैठे हैं कि ये लॉस्ट कॉज है और वो मान रहे हैं कि वो समर ट्रांसफर विंडो में नेक्स्ट सीजन एज अ फ्री ट्रांसफर में रियल मैड्रिड में चले जाएंगे। लेकिन वो अब भी इसी बात पर अड़े हुए हैं कि हमें 200 मिलियन यूरोस चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, कल के मैच में ऐसे आपको पता है कि किलियन एम्बापे खेले थे और उन्होंने दो गोल्स भी स्कोर किए पीएसजी की तरफ से, और इसके बाद भी उन्होंने पीएसजी के हायरार्की को एक बार फिर से कंफर्म कर दिया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करूंगा पीएसजी के साथ और मैं रियल मैड्रिड में ही जाना चाहता हूं। साथ ही साथ रिपोर्ट से ही बता रहे हैं कि किलियन एम्बापे इस समय हायरार्की से थोड़ा खुश नहीं है और डिसअपॉइंट है, और वो इसलिए क्योंकि किलियन एम्बापे पीएसजी ने उनको ये एक तरीके से वर्बली कहते हैं ना, वो जेंटलमैन एग्रीमेंट जो होता है इन प्लेयर्स और क्लब्स के बीच में, वो था कि अगर 180 मिलियन यूरोस का ऑफर आ जाएगा तो हम रियल मैड्रिड के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट कर देंगे। हालांकि इसमें कैच ये है कि क्योंकि पीएसजी को 35 मिलियन मोनाको को देने पड़ रहे हैं, इसलिए ये सारा ड्रामा क्रिएट हो रहा है और कुछ नहीं है। तो वो चाहते हैं कि वो कम से कम 170 मिलियन यूरोस अपने पास रखें और उसके लिए कम से कम 200 या 210 मिलियन यूरोस का ऑफर डालना पड़ेगा रियल मैड्रिड को। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी बुरी खबर है रियल मैड्रिड के फैंस के लिए वो ये है कि एज ऑफ नाउ ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में, एज ऑफ जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में ये डील ऑफ हो सकती है और ड्रामा फाइनली खत्म हो सकता है और एम्बापे पीएसजी में ही रुकने वाले हैं। हाउएवर मैं आपको बता दूं कि अगर कुछ पॉजिटिव या ऑप्टिमिज्म की बात है तो वो ये सीन है कि रियल मैड्रिड को अगर आने वाले टाइम में एक कंफर्मेशन, रिटर्न कंफर्मेशन मिल जाए कि पीएसजी ने भैया हमारा ऑफिशियल रिजेक्ट कर दिया है, तो वो एक बार फिर से थर्ड बिड डाल सकते हैं। बट अगेन जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना ज़्यादा कंफ्यूजन है रिपोर्ट्स में कि ये पता नहीं चल रहा किस पे बिलीव करें और किस पे नहीं, लेकिन मैंने आपके सामने इस समय सारे सिनेरियोज रख दिए हैं। बाकी अगर आने वाले टाइम में, जैसे मैंने आपको बताया कि आज रात 9:30 बजे तक का टाइम है पीएसजी के पास, तो उस समय मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, तो आप जरूर उस लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन करना और हम उसी टाइम उस पर डिस्कस कर रहे होंगे। इसी के साथ अब हमें तो बात करनी पड़ेगी पीएसजी के रिप्लेसमेंट की, क्योंकि जैसे जैसे ट्रांसफर डेडलाइन डे पास आ रहा है पीएसजी भी थोड़ा सा अब पैनिक हो रही है। और जैसे मैंने आपको कल के ट्रांसफर एपिसोड में अपडेट दिया था कि पीएसजी इस समय हालांड को साइन करने में काफ़ी इंटरेस्टेड है, लेकिन मैंने आपको बताया कि हालांड के जो पर्सनल एम्बिशन है वो पीएसजी में नहीं है, और ऐसे में अब हालांड की जगह डॉर्टमुंड के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी इस चीज़ को मना कर दिया है कि ये डॉर्टमुंड कोई बैंक नहीं है कि जो जब आएगा तब जाके यहाँ पर डील कर लेगा, हमारा जो हालांड को लेकर स्टैंड है वो बिल्कुल सेम है और मेरे को ये बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, और डॉर्टमुंड से हालांड इस समर ट्रांसफर विंडो नहीं जा रहे। और पीएसजी को भी ऐसा नहीं है कि पीएसजी को शौक है, पीएसजी को ऑलरेडी पता है कि डॉर्टमुंड का ये स्टैंड है, तभी वो मिनो रायोला को कन्विंस करने के चक्कर में, क्योंकि आपको पता है कि मिनो रायोला भंड आदमी है तो वो कर सकता है, वो एक हेरा फेरी कुछ भी कर सकता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अब हालांड से जो थोड़ा सा नीचे प्रायोरिटी में आता है वो आ गया है रॉबर्ट लेवनडॉव्स्की। ऐसा बताया जा रहा है कि लेवनडॉव्स्की जो एजेंट है ज़ाहा भी, वो ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों में फ्रांस में थे, पेरिस में थे नेगोशिएट करने के लिए, उन्होंने पीएसजी को चांस ऑफर किया है कि वो लेवनडॉव्स्की को साइन करें। हालांकि बायर्न म्यूनिख का जो स्टैंड है वो सिमिलर है डॉर्टमुंड जैसा, वो भी नहीं चाहते कि लेवनडॉव्स्की छोड़ के जाएं। लेकिन पीएसजी अगर एक बड़ा ऑफर डाल दे जो कि लेवनडॉव्स्की ऐसे में मान रही थी 70-80 मिलियन यूरोस के आसपास, तो वो लेवनडॉव्स्की को लेके जा सकते हैं। लेकिन अगेन जैसे इससे ऊपर वाली अपडेट पे हमने जो बात करी है उस ड्रामे पे बहुत बहुत क्रिएट होता है ये सिचुएशन।